हेलो फ्रेंड्स, नेस्टर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। 41 हाफ साइज का कोट काटूंगा दोस्तों, 45.5 चेस्ट है, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये दोस्तों मेरे पास पूरे कोट का कपड़ा है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको ये कोट बताऊंगा। 45.5 चेस्ट है, तो सबसे पहले हम लोग बैक काटेंगे। तो आपको स्क्वायर ले लेना है, सबसे पहले इस पे मिला के इसको कपड़े को बिल्कुल सीधा कर देना है। आप कुल लेंथ में 2 इंच दबाव रख दीजिए इस तरह से। लेंथ दोस्तों है 29, तो 29 हम ये रखेंगे, एक मार्क ये लगा लेंगे और उसके 1.25 इंच नीचे एक मार्क ये लगाएंगे। दोस्तों 45.5 चेस्ट है, तो इसका गिराव हम लोग 9.5 रखेंगे और 1.25 इंच ऊपर इस तरह से एक मार्क ये लगा लेंगे। पेट का निशान दोस्तों लगाएंगे 17.5 इंच पे। अब स्क्वायर से सारे निशान को सीधा कर लेंगे ऐसे। ये अब 1 इंच पे ये मार्क लगाएंगे और 1.25 इंच पे ये मार्क लगाएंगे और 2 इंच पे ये मार्क लगा लेंगे। इससे क्या होगा, शेप देने में आसानी होती है इस मार्क लगाने से। इस तरह से हम लोग इसका ऐसे शेप दे देंगे। शेप अच्छा लगना चाहिए दोस्तों। तीन दोस्तों इसकी हम लोग रखेंगे 3.25 इंच। शोल्डर दोस्तों है 18.5, तो उसका हाफ करेंगे 9.25, ये मेरा सिलाई हो जाएगी। क्रॉस बैक दोस्तों हमने नाप रखी है 8.25 इंच क्रॉस बैक है, सब तो 8.25 ये रखेंगे, आधा इंच सिलाई जाएगी। पेट पे दोस्तों 6.5 हिस्सा रखते हैं, जितना भी पेट हो उसका 6.5 हिस्सा, तो 41 है। अगर 42 होता तो 60 होता 6.5 हिस्सा, लेकिन हम लोग 7.25 इंच ये रखेंगे क्योंकि 41 है पेट। और हिप दोस्तों है 45.5, उसका भी हम लोग 6.5 हिस्सा रखते हैं, तो 7 इंच लगभग आएगा। तब इस तरह से हम लोग शेप दे देंगे। इस तरह से चौक का निशान लगाएंगे। आजकल ज्यादा लंबी चौक नहीं खुलती, तो 8 इंच बहुत है। ये हम लोग चाक का दबाव रख लेंगे 1.5 इंच। अब ये जो आपने निशान लगाया था, इसको इस तरह से ऐसे हल्का सा राउंड करते हुए इस तरह से शेप दे देंगे। टीथ भी पक्की कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल बीचों बीच में एक मार्क लगाएंगे ऐसे। अब इस तरह से इसकी हम लोग गुलाई दे देंगे दोस्तों। यहां से 1 इंच ऊपर इस जगह से 1 इंच ऊपर ये मार्क लगा लेंगे। अब शेप पट्टी दोस्तों इस तरह से रखेंगे, इस तरह से मार्क ये लगाएंगे। यहां से 2 सूत नीचे मार्क जाएगा, ये ऑर्डर नंबर दोस्तों मेरा हो जाएगा। दोस्तों ये बैक का मार्क कंप्लीट हो गया है, अब इसकी हम लोग कटिंग करेंगे। इस तरह से इसकी अच्छे से कटिंग कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों मेरे चैनल से हमने शेरवानी कटिंग, सदरी कटिंग, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा, वेस्टकोट, 3 पीस, बंद गला कोट, बच्चे का कोट कैसे कटता है, सारी वीडियो डाल रखी है। जिनको देखना हो आप लोग जाके मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग बैक काट लेंगे, 1 फुट का यहाँ पे ले लेंगे ऐसे। अब हम लोग आस्तीन काटेंगे, कपड़े को इस तरह से ही बस आगे खींच लेंगे आस्तीन, यहीं से हम लोग गोला काटेंगे आस्तीन का।
तरह से कपड़े को पहले बिल्कुल सीधा कर लेंगे ऐसे। स्लीव की लंबाई है 24, तो यहां से हम लोग लेंथ नापेंगे 24 पे ये मार्क लगाएंगे। तो ये दोस्तों हमने ये जो निशान लगाया था ये 1/4 इंच ऊपर एक मार्क लगाया, उसके बाद 1/4 इंच पे ये मार्क लगाया, लेकिन हम लोग स्लीव की लेंथ यहीं से नापेंगे 24 पे ये मार्क लगाएंगे। अब स्लीव का गिराव दोस्तों चेस्ट से छठा हिस्सा होता है, तो 41.5 है। अभी हम लोग 7 से थोड़ा सा कमी लेके चलते हैं, 7.25 पे ये मार्क लगा लेंगे। अब कुहनी का निशान दोस्तों हम लोग लगाएंगे 25 है, ये लेंथ का निशान जो लगाया था ऊपर करके टेप हम लोग देखेंगे 25 है, इसका आधा करेंगे तो 12.5 होगा, इसमें 1 इंच ऐड करेंगे 13.5 इंच पे कुहनी का निशान लगाएंगे, यानी यहाँ से हम लोग लेंथ जहाँ पे निशान लगाया है उसको देखिए 25 आ रहा है, तो 25 का आधा होता है 12.5, 12.5 में हम लोग 1 इंच ऐड कर दिया तो कुहनी का निशान ये होंगे। इस तरह से इसको भी हम लोग ऐसे मिला लेंगे ऐसे, इस निशान से मिला के रखना है बिल्कुल शेप पट्टी से। हम लोग इस तरह से शेप दे देंगे, किस तरह से शेप दिया जाता है ये हमने और बहुत सी वीडियो में बता रखा है, जिसको शेप देना ना आता हो वो स्लीव्स की वीडियो देख लें उनको आ जाएगा। इस तरह से हम लोग शेप देंगे और ये जो दूसरे निशान लगाते हैं हम लोग 1.5 इंच पे। अब दोस्तों चेस्ट है 41.5, तो 10.5 से 1 सूट कम होता है, हम लोग 1 इंच कम करके यानी चेस्ट से चौथाई करेंगे, उसमें 1 इंच अगर फिटिंग दार पहनता है तो 1 इंच कम कर देंगे, 9.5 एक सूट लगभग आएगा, 9.5 आएगा, तो ये मार्क लगा देंगे चौथाई से 1/2 इंच या 1 इंच कम करके मार्क लगा देंगे। अब इसको आधा कर लेंगे, यहाँ से आधा करेंगे, ये सेंटर का निशान ले लेंगे। मोरी दोस्तों हम लोग रखेंगे 11 इंच, तो 5.5 पे ये मार्क लगाएंगे यहाँ से। अब दोस्तों ये जितना भी रहेगा 9.5 आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग 1.5 इंच कम कर देंगे 8 इंच पे, ये देखिए 8 इंच पे ये मार्क लगाएंगे, इसको इस तरह से शेप देंगे। शेप देने में अगर दो सूट इधर मार्क जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, शेप अच्छा लगना चाहिए। इस तरह से हम लोग यहाँ से 1/2 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे, इसको इस तरह से ऐसे मिलाएंगे और आप दबाव इतना रखना चाहें 1.5-2 इंच आप दबाव रख दीजिए, उसके बाद इसको काट दीजिए। अब ये जो सेंटर का निशान आपने लगाया था स्क्वायर से, इसको भी सीधा कर लीजिए 1/2 इंच नीचे, यहाँ से एक मार्क लगाइए, इसको इस तरह से मिलाइए और ये पॉइंट से ये पॉइंट को मिलाइए। यहाँ से दोस्तों 1/2 इंच पे एक मार्क लगाइए, इसको इस तरह से आस्तीन का शेप दे दीजिए। इस तरह से दोस्तों हम लोग शेप दे देंगे। अब इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे, मार्क कंप्लीट हो गया, कटिंग कर लेंगे इस तरह से। दोस्तों निशान अगर कहीं से टेढ़ा मेढ़ा लग रहा हो तो उसको कैंची चलाते वक्त आप सीधा कर लीजिए। ये दोस्तों मेरी
गोला कट गया, ताल किस तरह से काटेंगे, कपड़े को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखने के बाद सारे बैलेंस के निशान को ले लेंगे इस तरफ से, इसको भी इस तरह से लगा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों दो सूत पे एक मार्क लगाएंगे, यहाँ पे हाफ इंच पे लगाएंगे और यहाँ पे ये निशान से पौन इंच पे लगाएंगे। अब इसी मार्क के नीचे आप लोग को एक निशान ले लेना है इस तरह से, ये अब इसको इस तरह से ऐसे कर लेना है, ये निशान पे ही मिला के छोड़ देना है। अब इसका बैलेंस के निशान को आप कुल ले लेना है इस तरह से ऐसे, ये अब इसको इस तरह से शेप देंगे, ये जो आपने निशान लगाया था इसी निशान से मिला के ये मार्क लगा लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी जो निशान लगाया है इस पे भी इस तरह से लगा के शेप दे देंगे। इसको इस तरह से गोलाई देंगे दोस्तों, ये अब इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ पे थोड़ा दबाव रख लेंगे, ताल में हम लोग दबाव रखते हैं क्योंकि लूज टाइट अगर करना हुआ ट्रायल पे तो यहीं से हम लोग लूज कर लें। तो दोस्तों देखिए मेरी स्टीन की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग फ्रंट काटेंगे कोट का, तो इस तरह से बैक को रखेंगे। और लव से 1.5 इंच पीछे एक मार्क इस तरह से लगा लेंगे, उसके बाद बैक इस तरह से रखने के बाद स्क्वायर से इस निशान से मिला के, और ये जो आपका निशान है बैग में ये भी मिलना चाहिए, इसको भी इस तरह से पूरा ले लेंगे। इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद चेस्ट पे आप लोग यहाँ से 4.5 इंच पे मार्क लगाइए, 3.5 इंच पे ये मार्क लगाएंगे और 3 इंच पे ये मार्क लगाएंगे। क्रॉस बैक नाप लेंगे, क्रॉस बैक आपकी है 8.5 से 11 आ रही है, तो 8.5 ये मार्क लगाएंगे, 41.5 है तो 21 होता है, 1/2 इंच बढ़ा के 21 पे ये मार्क लगाएंगे, 1/2 इंच सिलाई का बढ़ाएंगे आप लोग, 21 हो जाएगा। पेट पे दोस्तों देख लेंगे कितना आ रहा है, 7.5, तो 7.5 ये मार्क पे रखेंगे। उसके बाद 41 होता है तो 40.5 पे, सॉरी दोस्तों 20.5 पे मार्क लगाएंगे, 1/2 इंच सिलाई जाएगी तो 21 इंच पे ये मार्क लगा लेंगे। अब ऐसे ही दोस्तों हिप पे नाप लेंगे, हिप पे 7 इंच तैयार आ रहा है तो 7 इंच ये मार्क पे रखेंगे, और हिप है 41.5 तो 21.5 होता है, इसमें भी 1/2 इंच ऐड करेंगे तो 21.5 आएगा, 21.5 पे ये मार्क लगाएंगे। अब आपको शेप देना है दोस्तों, शेप किस तरह से दिया जाता है बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये शेप पट्टी आप रखेंगे, अब देखिए ये मार्क आगे जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा पेट है तो उसको जाने दीजिए, आप लोग इस तरह से शेप दीजिए इस तरह से शेप दे, सॉरी दोस्तों इस तरह से शेप दे दीजिए। ये जो मार्क थोड़ा सा कम हो गई यहाँ पे ना, हम लोग पेट यहाँ से निकाल लेंगे,
अब बैग को इस तरह से रखे के थोड़ा सा दो सूट बैग उठा लेंगे और बैलेंस के निशान को ले लेंगे। बैग दो फुट इसलिए उठाते हैं क्योंकि मेरी पीछे से बैग लटके नहीं इस तरह से। अब हम लोग सारे निशान को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों चेस्ट है 41.5, तो चौथाई करके 1.25 कम हम लोग तख्ती रखते हैं, तो इसकी तख्ती हम लोग अभी रखेंगे, पूरा पूरा चौथाई रखेंगे। जब ये आर्मोल का जब निशान लगाएंगे तो आधा इंच अंदर घुस जाएंगे, तो चौथाई से आधा इंच कम हो जाएगी। तो 10.25 पे हम लोग 41 मार के चलते हैं, 41.5 है तो 1.25 चौथाई कर लेंगे, 10.25 पे हम लोग ये मार्क लगा लेंगे। तख्ती का जो निशान होता है दोस्तों वो चौथाई से आधा इंच कम होता है, तो ये मार्क हम लोग ने ले लिया है। हाले का निशान दोस्तों लगाएंगे, चेस्ट का 8वां हिस्सा होता है तो 5.25 लगभग होगा, तो 5.25 पे ये मार्क लगाएंगे। यहाँ से दोस्तों 1.25 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से 2.25 इंच नीचे मार्क लेंगे, और यहाँ से दोस्तों 1.25 इंच पे मार्क लगा के इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे। और ये आपकी गोलाई हो जाएगी। अब आप लोग बैग लेंगे, इस तरह से नाप लेंगे कि कंधी कितनी तैयार आ रही है, उससे 2 सूत बैग की ज्यादा होती है कंधी, तो 2 सूत हम लोग कम कर लेंगे, 7.25 है तो 6.5 मार के चलेंगे, 6.5 ये रखेंगे और ये मार्क लगा लेंगे। इसको इस तरह से हम लोग शेप देंगे। दोस्तों हम लोग जितना भी ये सब शेप देते हैं उसका स्केल को यूज नहीं करते, ये तो बहुत से लोग स्केल का भी यूज करते हैं शेप देने के लिए। देखिए इस तरह से हम लोग आधा इंच अंदर घुसते हुए ये तख्ती का मार्क हो जाएगा, समझ लीजिए ये 4.25 से 1/2 इंच कम मेरी तख्ती आई थी, ये देखिए 10.5 आ रही है। अब पॉकेट का निशान लगाएंगे, यहाँ से 2 इंच पीछे 4 इंच चौड़ी लंबी तो पॉकेट रहेगी, इसका हाफ कर लेंगे, 2 इंच पे ये मार्क लगा लेंगे, इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे, 1.25 इंच तिरछा करेंगे इस तरह से, और 1 इंच एक सूत पे ये लगभग चौड़ाई रख लेंगे, बाकी तो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। लेन दोस्तों ये मेरा दबाव हो जाएगा 29 है तो 1/2 इंच बढ़ा के रखेंगे, इस तरह से ये मार्क लगा लिया है, इसको भी इस तरह से ऐसे मिला के खींच लेंगे, ये मेरा दबाव हो जाएगा। पॉकेट दोस्तों 9.5 इंच पे लगाएंगे इस तरह से, इसको भी खींच लेंगे, ये मेरा इसी के सिदान पे बटन का निशान होता है। अब ये जो पॉकेट के सेंटर में मार्क लिया था 6.5 आ रहा है, तो 6.5 पे ये मार्क लगाएंगे, ये फ्रंट की एक डार्ट होती है वो यहीं पे लगती है, इस तरह से निशान लेंगे, ऐसे खत्म कर देंगे। अब यहां से दोस्तों 1/2 इंच पे एक मार्क लगाएंगे, यहां से दोस्तों 1/2 इंच पे एक मार्क लगाएंगे ऐसे। अब हम लोग बैग लेंगे, बैग देख लेंगे कितनी आ रही है क्रॉस बैग, ये 8.5 1/2 एक सूत आ रही लगभग, तो 1/2 एक सूत ये रखेंगे, ये मेरी डार्ट हो जाएगी, ये देखिए दोस्तों 23.5 चेस्ट पे जो हम लोग लूजिंग रखते हैं 3 इंच रखते हैं, 41.5 चेस्ट है तो 24.5 होना चाहिए, एक सूत कम आ रहा है तो थोड़ा सा डार्ट हम लोग कम कर लेंगे, ये चेस्ट पे 3 इंच लूजिंग हम लोग रखते हैं तो 3 इंच लूजिंग आ जाएगी। पॉकेट के निशान लगाएंगे 6 इंच पे ये मार्क रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से 1 इंच पीछे एक मार्क लगाएंगे, और यहाँ से 1 इंच पीछे ये चले जाएंगे,
इसको इस तरह से ऐसे मिला देंगे। अब ये निशान से हम लोग नीचे मिला देंगे। अब इस तरह से ऐसे शेप देंगे दोस्तों। यहां से हाफ इंच में एक मार्क इस ऐसे लगाने के बाद ये हम लोग यहीं से इसकी ऐसे गोलाई दे देंगे। अब दोस्तों यहां से हम लोग हाफ इंच नीचे आए हैं तो यहां से हाफ इंच की डाट डालेंगे, पेट की डाट बोलते हैं इसको दोस्तों। इस तरह से इसको इसी पॉइंट पे मिला लेंगे। अब हम लोग पेट पे लूजिंग देख लेते हैं कितनी तैयार आ रही है। साढ़े छह एक सूत लगभग आ रहा है, तो साढ़े छह एक सूत हम लोग ये रखेंगे, ये आधा इंच मेरी सिलाई हो जाएगी और ये मेरी डाट दब जाएगी, ये भी डाट दब जाएगी। देखिए दोस्तों ये सवा बाईस आ रहा है और पेट पे है 41, तो हम लोग दो इंच लूजिंग रखते हैं, साढ़े बाईस पे ये मार्क लगा लेंगे। साढ़े चार इंच की दूरी पे बटन का निशान रहेगा। देखिए दोस्तों दो सूत हम लोग ने ये पेट निकाल दिया है, दो सूत हम लोग यहाँ से अंदर हुए थे तो दो सूत हम लोग यहाँ से बाहर हो गए। अब यहाँ पे सवा दो इंच पे इसकी राउंडिंग रखेंगे कोट की, इस तरह से गुलाई दे देंगे ऐसे, ये मेरे बटन के निशान हो जाएगा। इसको हम लोग कट कर लेंगे। अब हम लोग दोस्तों यहां से एक सवा इंच में मार्क लगाएंगे, इस तरह से ऐसे इसको मिला देंगे। नबेल की चौड़ाई रख देंगे ढाई इंच, इस तरह से हम लोग शेप दे देंगे। ये मेरा साइड चाप का दबाव हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए निशान आप लोगों को ठीक लग रहा है या कुछ कमी है आप लोग कमेंट में करके हमको बताइएगा। अब इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे। कटिंग किस तरह से करेंगे, इस तरह से कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम लोग दबाव रखेंगे, ये भी दबाव रखा है हम लोग ने, यहाँ पे भी दबाव रखा है। टाइट के बाद सारे दबाव को निकाल देंगे। दोस्तों देख बहुत ही ध्यान से देखिए हम किस तरह से कटिंग कर रहे हैं, ऐसे ही आप लोगों को भी करना है। ये मार्क पे ही सिलाई होगी इस पे। दोस्तों हिप की लूजिंग भी हम लोग दो इंच रखते हैं, तो दो इंच हिप की भी लूजिंग तैयार आएगी। वो हमने नापा नहीं है लेकिन वो आप लोग नाप लीजिएगा। इस तरह से दोस्तों हम लोग ऐसे कट कर लेंगे। आपको डेढ़ इंच दबाव रख देंगे साइड में, ये इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे भी पीस हम लोग निकाल देंगे। देखिए किस तरह से हमने कटिंग की है, ऐसे ही बिल्कुल आपको भी कटिंग करना है। और एक बार लूजिंग मैं आपको बता देता हूँ कितनी रखना है। चेस्ट पे जो आपकी लूजिंग रहेगी तीन इंच रहेगी, पेट पे दो रहेगी, हिप भी अगर आप नापते हैं तो हिप पे भी दो इंच लूजिंग रखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। मैं आपको नई नई वीडियो भी लाता रहूंगा, एक से एक कटिंग की वीडियो लाता रहूंगा। जिस तरह से मेरे पास कस्टमर आएंगे नई नई मांग करेंगे उस तरह से मैं आपको कटिंग बताता रहूंगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।